अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल और एक बार फिर हम एक प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है तहरीक आदम एतमाद। 28 मार्च को वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक आदम एतमाद के लिए वोटिंग कराई जाएगी और जबकि 27 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जलसे का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इंदिया दिया है कि वो 10 लाख अफराद को लेकर वहाँ जमा होंगे। इसके साथ ही अपोजिशन ने 20 लाख अफराद का इंदिया दिया है कि वो 20 लाख अफराद के साथ अपने धरने में मौजूद होंगे। इसके साथ ही नाराज़ अरकान को मनाने का और इन मुलाकातों का सिलसिला जारी है। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, क्योंकि इस वक्त तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। पार्टीज़ इस वक्त तक ये ऐलान नहीं कर रही हैं कि वो किसका साथ देंगी, किसके साथ इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, किसके साथ काफ लीग के, बाप लीग के, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोग हैं। तो इसके लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन और हम आपको अपडेट रखेंगे। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। जी जवाद फैजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वज़ीर, मुझे इस बात पे बताइएगा कि वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को यकीन है कि इत्तेहादी पार्टी हमारे साथ होंगी, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन भी पूरा एतमाद है कि इत्तेहादी पार्टियों के ना होते हुए भी हमारी गिनती पूरी है, और तो कौन कामयाब होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए कामयाब तो दोनों होना चाह रहे हैं और अब देखना ये है कि क्या इत्तेहादी और वो वाले इत्तेहादी जो आपके शहर से ताल्लुक रखते हैं वो किस तरह जाएंगे। और उनके जब बयान सुनते हैं कि आमिर खान साहब ये भी कह दें कि हमारी बात ही नहीं हुई तहरीके एतमाद पे और फिर वो अपोजिशन लीडर से भी मिल रहे हो, तो ये सारी चीजें तो अभी गुड मूड है। असल में तो ये है कि रेट जो है बढ़ रहे हैं, कोते बढ़ रहे हैं, वजारतों की तादाद को बढ़ाने के लिए दोनों तरफ है। और एक चीज में बड़ी वाजे जो मुझे नजर आ रही है कि अपोजिशन जिस तरह मुतहर्रक है, जिस तरह वो बयान दे रही है, दावा कर रही है, तो उसके पीछे जरूर कोई कहानी है। अदरवाइज इस तरह नहीं है कि एकदम से सारे इकट्ठे हो जाएं और जनाब जरदारी, जनाब शहबाज और जनाब मौलाना वो सबकी तरफ जाना भी शुरू कर दे। और आप एक चीज देखिए कि वो लोग जो चौधरी शुजात हुसैन की अलालत के बायस उनके यहाँ हाजिरी दे रहे थे, क्या हुआ कि दो दिन बाद उसी अलील शख्स को अपने लखते जिगर को सीने से लगा के इस्लामाबाद इन लीडर्स के घरों तक जाना पड़ गया। मुझे एक बात यहाँ बताइएगा, जब अपोजिशन दावा कर रही है कि इत्तेहादियों के बगैर भी उनकी गिनती पूरी है, तो धरने का ऐलान क्यों किया गया, क्या होने जा रहे धरने में? देखिए धरने का ऐलान अपोजिशन ने नहीं किया था। देखिए तुरफा तमाशा इस मुल्क में ये है कि जो इस मुल्क का वजीर दाखला हो, जब वो ये ट्वीट कर दे कि उस दिन सारे अहले यूथ जो है और तहरीक इंसाफ से जो वाबस्ता लोग हैं वो पहुंचे डी चौक, और फिर हम ये देखे कि वजीर इत्तलात हो और उनके साथ मुआवन हो, वो ये कह रहे हो कि वोट डालने के लिए जो जाएगा इन्हीं से गुजर के जाएगा, इनकी उनको शक्ल दिखा के जाएगा, वापस भी इनको शक्ल दिखाता हुआ आएगा, जिस तरह धमकी आमेज अंदाज है। उसके जवाब में अपोजिशन ने ये कहा, और आपने पिछले दिनों जो पार्लियामेंट लॉजिस में तमाशा देखा वो इसी चीज की वजह बनी कि जब ट्वीट कर दिया वजीर दाखला ने, शेख रशीद साहब ने, हालांकि पार्टी उनकी कोई और है, टांगा पार्टी है, लेकिन उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि तहरीक इंसाफ वाले जरूर पहुंचे नीचोक। उसके जवाब में फिर मौलाना की जमात ने अपना जो पावर को शो किया और वो अंसारुल इस्लाम वाले वहां आ गए और ये तमाशा तब शुरू हुआ। और अब तो इसकी हाइप क्रिएट हो रही है, जिस तरह ये गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है उसी तरह सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। तोड़ की मुझे ये बताइएगा फैजी साहब, जोड़ तोड़ की सूरत हाल मुझे दिखती नजर आ रही है, कौन किस तरफ जा रहा है इस वक्त तक कुछ पक्का नहीं है, कुछ पता नहीं चला है। तो और कहा जा रहा है कि पीठ पीछे मामला भी तय हो रहे हैं, ये फाइनल हो चुका है कि कौन किस पार्टी की तरफ जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, कौन किसका साथ देने वाला है? देखिए तय हो चुका है लेकिन तख्ते अभी शो नहीं किए जाएंगे। हाँ तो बताएं क्यों नहीं शो किए जा रहे इस वक्त तक? जी मैं नहीं समझ पाया क्या फरमाया आपने। मुझे बताइए कि इस वक्त तक अपने पत्ते शो क्यों नहीं किए जा रहे, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए ये कभी भी ऐसा होता नहीं है कि एकदम से सारे आ जाए, फिर तो हुकूमत मुक गई ना, फिर तो वजीर आजम रहा ही ना। असल इशू ये होता है कि वही बात जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जब आपस
जितने लेन देन हो रहा हो, मुआदे हो रहे हो, कमिटमेंट्स हो रही हो और मंसूबे बन रहे हो कि कितनी वजारतें, कितना इख्तियार, कितना इक्तदार, उसमें कितना हिस्सेदार, वो सब कुछ बनाया जाएगा। तो उस हवाले से कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपोजिशन के साथ जो है वो हुकूमती रहनुमा या हुकूमती मेम्बरान या इत्तेहादी जो मेम्बरान है वो जाके बिल्कुल सामने खड़े हो जाए। हुकूमती तो बिल्कुल नहीं जा सकते, इसलिए कि उन्होंने उसी वक्त मुझे यहाँ ये बताइएगा, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि 27 मार्च को जो जलसा इमरान खान करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे अपनी आवाम से जिसमें वो आवाम को एतमाद में लेंगे। तो बात शुरू हुई थी डी चौक से और बात फिर जा रही है डी चौक की तरफ, तो क्या मामलात बनेंगे, क्या बात डी चौक पर खत्म होने वाली है या कुछ नया होने वाला है? देखिए महक, अगर 10 लाख बंदा इस्लामाबाद में डी चौक में बुलाया जाएगा ना जी, तो ये फैजाबाद से भी पीछे है पिंडी, और जहाँ पिंडी में सारे मामलात होते हैं इस मुल्क के, वहां तक लोग पहुंच जाएंगे। और मेरा ख्याल है जो अहम इंकशाफात की बात हो रही है जी, तो पिंडी से रिलेट ही कोई बात है जिसकी वजह से सारे परेशान है कि पता नहीं खान साहब कौन सा सांप ऐसा निकालेंगे जो इसके मुल्क के दरो दीवार ना हिला दे। और याद है आपको इमरान खान साहब ने कहा था मैं बाहर आ गया, अपोजिशन में आ गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो खतरनाक ही जो है वो दिखाना चाह रहे हैं इस मुल्क के लिए। अगर वो खतरनाक ही खतरनाक हो जाएगी तो फिर वो बहुत ज्यादा मुश्किल। मुझे यहाँ ये बताइएगा जी, मौलाना फजल रहमान का कहना है कि उन्होंने कहा है कि 23 मार्च को सारे लोग इस्लामाबाद जमा हो जाएं, उनको ये अंदेशा है कि उनके जो अरकीन हैं उनको अगवा किया जा सकता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सूरत हाल इस वक्त खतरनाक है जी। देखिए महक, बात ये है कि जिस तरह वफाकी वज़रा ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लंग के दिखाओ, गुजर के दिखाओ उनमें से, और हम भी देखेंगे जो गुजर के जाएगा और वोट हमारे खिलाफ दे के आएगा, तो ये धमकी है ना, तो उन्हें तो अपने अराकीन को धमकियों का सिलसिला तो फैजी साहब दोनों साइड से चल रहा है, धमकियों का सिलसिला दोनों साइड से बराबर है। मैंने अर्ज पहले ये किया कि अगर ये मामला जो धमकियों वाला था, अगर जनाब वजीर दाखला ये ट्वीट ना करते तो शायद दूसरी जानब से भी इतना शदीद रद्द अमल ना आता। इशू ये है कि मैं दोनों तरफ कह रहा हूँ, दोनों तरफ की बात ये कि दोनों ने अपने आस्तीनें चढ़ाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो आगे जैसे आप जो है ना वो आपके क्यों कह लीजिए कि बस अब मोची दरवाजा बना लिया, क्या हो जी अखाड़ा बना लिया बेसिकली, क्या हो जी लड़के देख लेते हैं कुश्ती का जो मंजर है वो नहीं होना चाहिए। देखे हमारे खिताबात, हमारी जबान, हमारा तर्ज तखातुब, हमारे ख्यालात का इजहार वो जब टीवी चैनल दिखा रहे होते हैं और जब सोशल मीडिया पे चल रहा होता है तो उसमें तहजीब होनी चाहिए, तमीज होनी चाहिए और मर्तबे और मकाम का पास रखना चाहिए। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि उधर मौलाना हो या उधर इमरान खान हो, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे थे कि हमारी उम्र भी एक जितनी है और हमें कब्र का वो सोचना चाहिए, लिहाजा खान साहब एक तरफ लेक्चर ये दे रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि रियासत मदीना के अंदर तो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर कोई चीजें फेंकी भी जाती थी तो वो इबादत करने चले जाते थे। कौन सा मदीना बन रहा है मुझे अभी तक समझ में कोई नहीं आई जिसमें ओए तोए भी है, फजलों भी है, डीजल भी है, फला भी है, फला भी है। मगरब को भाई अगर आप सबसे ज्यादा जानते हैं तो इसमें उसमें तहजीब है, उसमें किसी पे इल्जाम नहीं है, किसी का नाम बिगाड़ना नहीं है। जिस तरह जो शुजात ने कहा और मुफ्ती साहब ने कह दिया, सूरह हुजरात के हवाले दिए जा रहे हैं कि बुरे नामों से मत पुकारो, एक दूसरे के साथ तमीज से, प्यार से, अदब से बात करो। लिहाजा हम कौन सी रियासत मदीना में रहना चाह रहे हैं जिसमें हम पगड़ियां भी उछालें, जिसमें हम गिरेबान भी पकड़े, जिसमें हम अपनी जबान को जो है वो बहुत तवील भी करें और फिर ये चाहे कि मेरा आज का नौजवान जो है या मुस्तकबिल के जो मेहमान है उनकी जबानें ठीक हो जाएंगी, उनकी तहजीब बहुत अच्छी होगी, उनके ख्याल अच्छे होंगे। जवाब आप तो दूसरे साइड से भी दिए जा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, जवाब तो दूसरे साइड से भी दिए जा रहे हैं, तो तहजीब का जो आप कह रहे हैं इक्विलिज्म है वो दोनों साइड से रखना चाहिए। देखिए मैं तो इसलिए एक साइड की बात क्यों कर रहा हूँ कि वो तो है ही बुरे बकौल खान साहब, वो करप्ट भी है, वो गंदे भी है, वो परमिट वाले भी है, वो बम्बीनो सैनमा वाले भी है, वो फला भी है, वो फला भी है, वो भाई वो तो है, चले मैंने मान लिया एक लम्हे के लिए वो बहुत गंदे है, वो खान साहब तो मुझे अच्छे चाहिए ना,
जो मुझे इस मुल्क के चोरों के बारे में बता रहा है, जो मुझे इस मुल्क के करप्ट अनासिर के बारे में बता रहा है, अगर जी आज तक ना वो जेल में है ना कोई केस है मौलाना के खिलाफ, तो फिर इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे मुल्क का वजीर आजम और चीफ एग्जीक्यूटिव अगर वो इस किस्म की जबान इस्तेमाल करेगा तो मेरा गिला उससे बनता है? उनको तो मैंने मान लिया, जो खान साहब ने कहा मैंने मान लिया, मैं कि जी वो बड़े गंदे है जी। मुझे एक बात यहाँ बताइए, मुझे एक बात यहाँ बताइए जी, जी मुझे एक बात यहाँ बताइएगा फैजी साहब, सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का ये कहना है कि बहुत जल्द हम इमरान खान के साथ साबिक वजीर आजम का नाम सुनेंगे और हम ये सुनेंगे कि वो कहेंगे मुझे क्यों निकाला। तो क्या अपोजिशन ने इमरान खान को इतना आसान हदफ समझ लिया है? तैयारी तो हुकूमत की भी बहुत अच्छी है जी। देखिए गेम नंबर्स की आसान हदफ क्या, पहले दिन से शाखे नाजुक पे आशियाना बना हुआ है, अपने पास ना अक्सरियत है, दूसरे अगर एमक्यूएम की मिलते तरले करके अगर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई जिसको सबसे बड़ा डाकू करार दिया गया, अगर उसके पाँव में बैठा जा सकता है, चौधरी शुजात साहब के घर जाया जा सकता है कि बाबा जी बख्श दो मैनु, तो उस सारी सूरत हाल में तो पहले से ही इनके पास अक्सरियत तो है नहीं, लिहाजा हदफ क्यों आसान नहीं है, इत्तेहादियों ने निकलना ही है ना। लेकिन मुझे ये बताएं, पिछले दिनों इसी पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली ने ऑन द फ्लोर ये कहा कि जो आगे गुजरा और मशीर बैठे हुए हैं 5 साल के लिए उनका नाम ईसीएल में डाल दिया जाए, क्यों कहा, उसकी क्यों जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए कि खुद पीटीआई के अराकीन वो दिखाने जोगे नहीं रह गए, आमिर लियाकत कराची में बैठ के रोज, वैसे तो वो जैसी भी हरकतें करता है लेकिन सियासी हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, वो जो जो कह रहे हैं पिशावर से, जो जो कह रहे हैं पंजाब के जो एमएलए हैं, अरकाने कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली है, अगर आवाम के काम नहीं हो रहे, अगर रोजगार नहीं मिल रहा, अगर उनके नौकरियां छिन गई है, आटा जो है चीनी जो है वो छीन के कासे पकड़ा दिए गए हैं, अगर सारे मामलात पे वो जो बंदा वोट लेके आया वो क्या मुंह दिखाएगा आवाम में जाकर? मुझे ये बताइएगा इमरान जी, मुझे ये बताइएगा, इमरान खान का धरना हम सब ने देखा है और वो एक कामयाब धरना था, एक बार फिर इमरान खान और अपोजिशन मैदान में उतर रही है और धरने आमने सामने होंगे, तो क्या आतंकवादियों की सूरत हाल पैदा नहीं होने जा रही? देखिए इस्लामाबाद के बहुत सारे जो आला दिमाग हैं, असहाब इल्म दानिश हैं, उनसे जब हमारी बात होती है तो उनका यही कहना है कि अगर ये इसको इस तसादुम की तरफ बढ़ के अगर माहौल रंगीन हो गया खुदा ना खास्ता, या जब पाकिस्तान की तरफ दुश्मन की नजरें भी हैं, एक तरफ वजीर खारजा कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का सफारत खाना और हाई कमीशन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो इसी को नाकाम बनाना चाह रहा है, जब आप ये खुद कहते हैं कि हमारे दुश्मन ममालिक साजिशें करते हैं, पेशावर के अंदर दिन पहले धमाका हुआ है, लिहाजा उस सारी सूरत हाल में मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि अगर अपोजिशन कहे ना कि मैं बंदे लेके आ रहा हूँ, तो वो तो खान साहब भी लेके आए थे, क्या है खान साहब के मुकाबले में मौलाना फजलुर रहमान या नवाज शरीफ या पीपल पार्टी ने यहाँ लाखों लोग लाके बिठाए थे उस वक्त जब धरने हो रहे थे खान साहब के? हुकूमत को होश के नाखून ज्यादा लेने चाहिए, अब खान साहब अपोजिशन में नहीं है, कंटेनर पे नहीं है, हुकूमत में है, वजीर आजम है और पूरी दुनिया में स्मार्ट तरीन वजीर आजम के तौर पर जाने। जब हमारे वजीर आजम इमरान खान धरने कर रहे थे और उस वक्त जो माशियत को नुकसान पहुंचा था, तो अभी भी उसका उस नुकसान का अंदेशा है, तो क्या पोजीशन इस बात को नोट नहीं कर रही, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर अपोजिशन तो इमरान खान से चाहती है कि तहरीक अदम एतमाद एक जमहूरी और कानूनी तरीका है ना, पूरी दुनिया में होता है, क्या बर्तानिया में ऐसा नहीं हुआ, क्या स्वीडन में नहीं हुआ, क्या डेनमार्क में नहीं हुआ, जितने मगरबी ममालिक है वहां पे तहरीक अदम एतमाद आई है, वजीर आजम तब्दील हुए है, लिहाजा अगर ये आईनी कानूनी जमहूरी हक है किसी का, वो अगर कर रहा है तो उस पर क्या ये कहना कि जी बंदे हमारे आ जाए ताकि हम देखें कौन कौन हमारे खिलाफ है, इस वक्त चाहिए ये था। और मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं हुकूमती जुमा से भी मिलता हूँ, मैं अपोजिशन लीडर से भी बातचीत करता हूँ, मैं अभी भी उनसे मिल के आया हूँ, मेरे भी सवाल यही होते हैं जो आपके हैं, मगर इशू ये है कि हुकूमत हमेशा गिविंग हैंड वाली होती है और उसको वसीउल नजरी और वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले कॉल अपोजिशन ने नहीं दी, पहले कॉल दी है हुकूमत वक्त ने, और जब हुकूमत वक्त कहेगी 10 लाख बंदा लेके आएंगे, तो आगे से अगर जवाबन ये कहा जाए कि 20 लाख फिर हम भी लेके आएंगे,
तो हुकूमत को ये चाहिए कि उस दिन के लिए वजीर दाखिला अनाउंस कर दे कि बड़े पुरअमन तरीके से तहरीकी अदम अतमाद का मरहला आना चाहिए। अपोजिशन से भी गुजारिश है कि रेड जोन में बंदे ला लेके आए, और हुकूमत से भी गुजारिश है और हुकूमती पार्टी से भी गुजारिश है कि यहाँ रश ना डाला जाए ताकि इस प्रोसेस को आसानी से चलने दिया जाए। लेकिन जब वजीर अस्थी ने चढ़ा के ये कहेगा वजीर दाखिला कुछ के रख दूंगा, मल के रख दूंगा, तल के रख दूंगा, यार बैंकाक के शोले हर वक्त नहीं चलते। आपके रंग रिंग पिस्टन जो है अगर आवाज दे रहे हैं तो मैं उसी जुबान में भी बात कर सकता हूँ। लिहाजा इस सारी कैफियत में देखना तो ये चाहिए ना कि क्या इस वक्त अल्लाह अकदार का मुजाहरा करिए। देखिए अपोजिशन मैंने पहले किया गंदी है जी, वो तो है ही करप्ट, वो तो है ही फलाने। लिहाजा ये जो आला लोग है, अरफा लोग है, जो इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन से गुफ्तगू शुरू करते हैं और जो हमें हवाले देते हैं मुख्तलिफ, कभी नबी करीम के, कभी अम्बिया के, कभी सहाबा किराम के, कभी औलिया के, कभी रूहानियत के, उन लोगों को इस वक्त ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए महक जहाँ भी हुकूमत होती है, कोई भी हुकूमत हो, जिम्मेदारी उसकी ज्यादा होती है। आप अपोजिशन को उस तरह से मुर्दे अजाब नहीं ठहरा सकते। और इस सारी कैफियत में अगर खुद हुकूमत ये कहे कि आ जाओ लाखों लोग यहाँ पे, तो फिर अगर हुकूमत का ये हक है तो फिर बाकी जमातों का भी उतना ही हक है। डर छत से चाहिए जबकि आमने सामने खड़े हो गए, खुदा ना खासा एक छोटी सी भी फुलझड़ी चल गई, खुदा ना खासा एक हल्की सी भी खून जैसी रंगीनी आ गई, तो उसके बाद अगर कुछ साजिश वजीर दाखिला या दीगर वजरा की है कि इस मुल्क में एमरजेंसी की तरफ बढ़ा जाए, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हो सकता है कि उसके बाद फिर सदारती निजाम की तरफ हम बढ़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा और बैन अल-अक़वामी हालात भी इसके जो है ना वो मुतकाद। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त जवाद फैजी, बहुत शुक्रिया आपका। धरनों और इजलासों से माशियत को पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि इस वक्त तक किसी ने कोई ऐलान नहीं किया कि कौन सी पार्टी किसके साथ है। हम आपको अपडेट रखेंगे, देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन, और अपनी होस्ट महक सुहेल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।